तो अभी हमारे दोस्तों ये कांटों का ऊपरी हिस्सा में जो भी कुछ इस तरह है, देखते हैं काफी सुंदर है। कुछ इस तरह है नज़ारा, काफ़ी सुंदर है। जैसे हिमाचल है पहाड़ियों में बसा हुआ, उसी तरह ये भी बसा हुआ है बस्ती पूरा एक टापू में, जो कि काफ़ी सुंदर है। बाय बाय। और यहाँ से भी हम लेफ्ट मुड़ेंगे दोस्तों, जो कालिया दिख रही है आपको, ये हमारे आगे है। ये हमारा एक स्टेडियम है, घाटों स्टेडियम, हम दिखा नहीं पाए दोस्तों क्योंकि अभी हम लोग दूसरे रोड में बेच साइड के पीछे वाले जो रास्ता है उसमें हम जा रहे हैं, सफरन साइड वो साइड से है। काफ़ी सुंदर है दोस्तों, मुसलमान भाई लोग के लिए मस्जिद यहाँ पे कुछ इस तरह है, अच्छा खूबसूरती लग रहा है। अभी हम टाटा सेंट्रल हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं दोस्तों, और अभी हम लोग यहाँ से नीचे की ओर जा रहे हैं, उस पर हम लोग पहुँचेंगे जे एन के वी टी आई ट्रेनिंग सेंटर। जा रहा है दोस्तों यहाँ का व्यू, छोटे छोटे हमारे किसान भाई लोग अपना बाजार लगाए हुए हैं और काफी धूप है। सिविल स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस है डिवीजन बोकारो के पास, दिखाने का बस कहीं ऊंचाई पे जाके। तो आप कंटिन्यू हमारे वीडियो में बने रहे। यहाँ पे जो टाटा स्टील का जो मलमल के इस टाइप में यहाँ पे पड़ा हुआ है, और इसे साफ सफाई किया जा रहा है। वेस्ट बॉल जो होता है, यह हमारा माइनिंग मतलब एरिया है पूरा, सुंदर है। आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा हमारा वीडियो, तो आप कंटिन्यू हैं हमारे वीडियो में। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको ऊपर का व्यू, तो अभी जा रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं हमारे घाटों टांड के में बना छोटा सा बादशाह पार्क जो बहुत ही खूबसूरत है। तो अभी वहाँ से मैं पूरा घाटों का व्यू दिखाने वाला हूँ, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आप हमारे वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। तो अभी हमारे साथ में हमारे फ्रेंड हैं, तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं थोड़ी ही देर में। और अभी मैं बैक कैमरा से यहाँ का व्यू मैं दिखाते चलता हूँ आप सभी को। ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, कुछ इस तरह का नज़ारा है। ये पूरा टॉप जो ये माउंट है छोटा सा, इस माउंट की पूरा टॉप मंजिले में बना हुआ है वो पार्क। Thank you.
बाइक खड़ा करेंगे, उसके बाद यहाँ से हमें पैदल जाना होगा। अब कंटिन्यू रहे हैं वीडियो में। ये देखिए हमारे साथ में हमारे फ्रेंड लोग, जो छोटी सी बनी गई है लेकिन काफी खूबसूरत लग रहा है। ये इधर भी है, अभी तो चलिए अभी मैं अभी चढ़ के ऊपर दिखाता हूँ यहाँ का व्यू, जो काफी मजेदार होने वाला है। मोबाइल ठीक है पास, तो कुछ इस तरह है यहाँ का घाटों का पूरा। ये देखिए मैं दिखाता हूँ पूरा यहाँ का दृश्य। ये देखिए ये टाटा वेस्ट बोकारो डिवीजन, जो कि वेस्ट बोकारो में है। कुछ इस तरह है यहाँ का व्यू। चलिए हमारे साथ कंटिन्यू रहिए वीडियो में, मैं आगे फोटो का व्यू दिखाने वाला हूँ। काफ़ी मेहनत किया गया है दोस्तों इस पार्क को बनाने में, ये देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लग रहा है। और अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे टाटा स्टील का एक लोगो भी है जो कि लगा हुआ है यहाँ पे, तो चलिए मैं वहाँ भी दिखाता हूँ आप सबको। ये देखिए हम टाटा स्टील के अभी हम मिलाने वाले अपने दोस्तों से और यहाँ के बारे में जानकारी लेते हैं। डीजीएमएस का ये जहाँ तक कोई माइनिंग चल रहा है ना, वहाँ तक डीजीएमएस का मार्ग है। जहाँ जहाँ माइनिंग रहेगा वहाँ वहाँ डीजीएमएस का मार्ग रहेगा। हम लोग अभी वेस्ट बोकारो घाटो कांड जो माइनिंग फील्ड में है, जो कि झारखंड राज्य के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लोकेटेड है। ये एक माइनिंग फील्ड है, यहाँ पे कोयले का उत्खनन किया जा रहा है, मतलब कोयले का खनन खोद के निकाला जा रहा है। कोयला यानी जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए जला के उसके उसे प्रोड्यूस करते हैं, कोयला बनाते, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उसे। उस खनन के दौरान हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं उसे, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि उसमें बड़े बड़े मशीनरी यूज़ करते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों भी हम आप सबको दिखाते हैं जूम करके, तो वहाँ पे कुछ हॉल पैक लगे हुए हैं जो कि ये देख सकते हैं हमारे माइंड में। ये देखिए जो ये हमारे देख रहे हैं वो सारे हॉल पैक हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सबको हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो प्लीज़ भाई हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी के लिए अलविदा, बाय बाय, फिर से मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ में।